गुड मॉर्निंग, मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, ये फाउंडेशन जनवरी अटेम्प 2025 इसका आज बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसको जरा समझिए। देखिए आप बच्चे, एक मिनट शांत रहेंगे। अरे बटन काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ जी बच्चे, एक मिनट सुनो। सीए फाउंडेशन दो हजार पच्चीस बच्चे, सीए फाउंडेशन में आपके पूरे डिटेल्स बता देता हूं जी। ये आपके हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के दो पेपर, ऑब्जेक्टिव के दो पेपर, अकाउंट्स और लॉ। उसके बाद है कौन, इधर क्यूए और इधर है हमारा इकोनॉमिक्स। ये बच्चे ये सभी 100-100 मार्क्स के, ए भी 100 मार्क्स, ए भी 100 मार्क्स, ठीक है जी। यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग, सुनो सुनो सुनो, नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। अच्छा एक बात जरा सुनिएगा जी, पास करने के लिए सभी में मिनिमम 40-40 मार्क्स चाहिए, सभी में मिनिमम 40-40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट 200 चाहिए। अगर 40-40 मार्क्स सब में आ गए, अगर 200 पूरे नहीं हुए तो फेल, अगर 200 से ज़्यादा मार्क्स हो गए और एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल, ठीक है जी। अब जरा एक बात जरा सुनिएगा, इसके लिए आपको 3 घंटे एक पेपर का मिलता है, इसके लिए 2 घंटे एक पेपर में मिलता है, ठीक। बात याद रखिएगा, 2 घंटे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस वाले में है, हम इस वाले में जरा देखोगे, ये जो क्यूए और इको में है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पर हमें मिलता है 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। बेटे एक मिनट शांत रहो जी, 1 मिनट 12 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है, सॉल्व करना है और ओवल को सेट करना है, ओवल को सेट करना है। सोच लीजिए कितना टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिस्की है इकोनॉमिक्स में, तो चलो ठीक है, लेकिन क्यूए में है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सॉल्व करने और पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है। कल मैंने आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका मैं पी वाई क्यूज ये पूरी सॉल्यूशन बना दी है 2022 अटेम्प्ट तक। बाकी क्वेश्चन टाइप हो रहा है तो टाइप हो करके जैसे ही आएगा मैं उसको भी करूँगा। तो आपको क्या क्या मिलेगा सुन लीजिए बच्चे, एक बात जरा सुनो, आपको क्या क्या मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, उतना मिलेगा जितना कोई नहीं देता, आप याद रखिएगा, उतना मिलेगा जितना आपको कोई नहीं देता, समझ में आया बच्चे। एक बात जरा सुनो, आपको सीए इंस्टीट्यूट वगैरह सबका तो मिलेगा ही, साथ में साथ पी वाई क्यूज भी मिल रहा है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2006 से लेकर आपको 2024 तक जितने भी सवाल्स हैं सभी के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, कोई नहीं देता जो हम देते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, टेस्ट वगैरह सब कुछ है, चलेगा। अब हम आपको आगे बता रहे हैं, जरा देखिएगा जी। हेलो, इधर ध्यान से, हमारा पेपर है और वो है क्यूए, क्यूए पेपर है बच्चे। क्यूए में आपके 3 पार्ट है, एक है आपका मैथ्स पार्ट, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है स्टैट्स, ठीक है। तीसरा है स्टैट्स, ये क्यों नहीं, ये हैंग कैसे हो गया? हेलो,
आ गया। हाँ जी कुछ करिए मैं जी, इसमें बच्चे क्यूए हैं, इसके हैं 40 क्वेश्चन, इसके 40, इसके 20, इसके 40, ठीक है। ये क्या कर दिए, हेलो। हाँ जी बच्चे 40 है, 20 है और 40 है। बच्चे जिन बच्चों की मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, घबराने की बात नहीं है, वो जरूर पास करेंगे, लेकिन पास करने की इरादा होगा तब, ठीक है, पास करने की इरादा होगा तब। ऐसे कोचिंग आओ और जाओ, आओ जाओ, तो इससे कुछ नहीं होगा। पास करना है तो बच्चे पढ़ना पड़ेगा, अगर पास करना है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहते हो तो जरूर पास करोगे। मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आप CA बन सकते हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों लड़के हमारे जो CA बने हैं जिनकी बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रही है, ठीक है, इसलिए बात ध्यान रखिएगा। अब उसके लिए पढ़ने की स्ट्रेटजी है, नॉलेज चाहिए, बेसिक बेसिक नॉलेज चाहिए जी, फाउंडेशन का मतलब होता ही है बेसिक नॉलेज चाहिए। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अब जरा, मैथ्स है, मैथ्स में है आपको दो तरह की बात है, एक नाइन्थ कोर्स और टेंथ कोर्स के भी कुछ सिलेबस है और कुछ सिलेबस आपके 11th और 12th के भी है। हाँ हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम तो आता नहीं था। हाँ जी ये आपके चारों मतलब 9th, 10th, 11th, 12th ये सभी के सिलेबस इसमें मिलेंगे। अच्छा एक बात जरा सुनो, एक मिनट शांत रहो जी, ये तो तुम्हारे हो गए। लॉजिकल रीजनिंग में आपके चार चैप्टर है, सीरीज, उसके बाद है कि डायरेक्शन और पजल, और उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये चार चैप्टर है, चार चैप्टर से आपको 20 मार्क्स लाना है, ठीक। और स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में आपको 9 चैप्टर आ गए, एक चैप्टर बढ़ गया सैंपलिंग, तो ये 9 चैप्टर्स आ गए स्टैट्स में। बच्चे एक बात जरा सुनो, स्टैट्स तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है, क्योंकि स्टैट्स का आपको इंटर और फाइनल दोनों में जरूरत है, ये इंटर और CA फाइनल FM में जरूरत है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रीजनिंग तो आपका है मेरिट टेस्ट के लिए जरूरत है, और यह हमारा मैथ्स है, मैथ्स में आप जरा देखिएगा बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको अगर हम कर ले तो हम पूरे QA में 85 मार्क्स तक आराम से कर सकते हैं, जिनकी बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, ठीक है, हम उनको तरीके बता देंगे ऐसे जिससे कि वो 85 तक कर सकते हैं। लेकिन 15 क्वेश्चन और है जिसके लेवल हाई होती है, आप देखो कि CA इंस्टीट्यूट के बुक में आपको 2 मार्क्स और उसके बाद है अब थ्योरेटिकल में देता है और उसके बाद 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप CA इंस्टीट्यूट के बुक में देखोगे तो 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन है, बट 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपसे सोल्व करवा रहा है लेकिन आपको मार्क्स देगा एक ही मार्क्स देगा आपको, एक ही मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। कल है सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ सवाल ऐसे आए थे जो काफी टाइम ले रहे थे बताने में, और उस क्वेश्चन को लिंक कैसे किया था, सेट्स फंक्शन रिलेशन और APGP दोनों से लिंक कर दिया था और तब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, तो ये है आपको इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, और उसके बाद भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे ही पहले ही QA को मैथ को समझ लेते हैं कि यार ये कहाँ से मुसीबत आ गया, है ना जी, यही समझता है ना, कहाँ से मुसीबत आ गया सर पर, ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है, ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एक बात जाना सुन लीजिए, जिनकी ब्रेन मैथमेटिकल है, जिनकी ब्रेन मैथमेटिकल है वे CA जल्दी बनते, याद रखिएगा,
जिनकी ब्रेन मैथमेटिकल है वो जल्दी सीए बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अब जरा देखो बच्चे, हमारा जो सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में क्यूए, क्यूए में हम मैथ, और मैथ में आपका पहला चैप्टर है और वो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग हर अटेम्प्ट में आपके दो क्वेश्चन आते हैं, एवरेज आप दो क्वेश्चन मानकर चलो कि पेपर में आएगा। इस बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पेपर में आया था, आप जरा देखिएगा। हेलो, मैं आपको जरा मैं बता दूं कि इस बार कितने क्वेश्चन आए थे। हेलो, इधर ध्यान से, ये जरा देखिएगा 2024 कहां गए। हाँ जी, ये जरा देखिएगा जी, इस बार जो क्वेश्चन है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, जरा देखिएगा पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में देखिए एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक एक तीन 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 दो क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, एक क्वेश्चन आया था। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 85 लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 85 है जो इस बार पेपर में आया था, ठीक है। तो एक मात्र एक ही क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में। अब जरा एक बात जरा सुनो, तो आप एवरेज मानकर चलो कि आपको दो क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। हाँ जी, ये जो डेटा है ना, ये डेटा मैं भेज दूंगा आपके पास, क्योंकि ये डेटा तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो नई डेटा बन करके आई है वो मेरे पास है, मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, ठीक है। कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेज मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं वो आप फिर दोबारा पढ़िए, और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर क्लास चलेगा लंबी, ठीक है। हाँ जी, क्लास चलेगी लंबी, और वो जरा देखिएगा जी, सबसे पहला बात है और वो है रेशियो। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। यहां पर देखिएगा जी, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पीडीएफ भेज देंगे, आप घर पर आराम से लिख लीजिएगा। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स ऑफ सेम सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब है दैट इज सेम यूनिट। Is called ratio. Is called ratio. ठीक है जी, ratio of A and B is written as A is to B and read as A is तो जी हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। रेशियो को दो समान अगर है उसको लिखना, अगर कंपेयर करना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, इसका नाम है इज टू, हिंदी में बोलेंगे अनुपात, ए अनुपात बी। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो, ए इज टू बी, इसको लिखा जाएगा ए अपॉन बी। बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा, बोलिए मत, बोलिए मत, बोलेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ए है, ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और बी को बोलते हैं कंसेक्वेंट, कंसेक्वेंट। बेटा ये देखिए, याद रखिएगा, ये दोनों का जो यूनिट होना चाहिए, ये दोनों का यूनिट, ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो एक मिनट सुनो, तो रेशियो में
हमें दो समान दिखना चाहिए, तो एक नंबर में ही दिखना चाहिए, दो समान दिखना चाहिए, ठीक है, तभी हम रेशियो बोलेंगे। अगर दो समान अगर अलग अलग नहीं शो होता है तो इसका मतलब वो रेशियो नहीं है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इसलिए दो समान दिखना चाहिए, पता होना चाहिए। यह है एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं कंसेक्वेंट, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो में बदलने के लिए दोनों की यूनिट सेम करना पड़ेगा, अगर सेम नहीं होता है तो रेशियो नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको सिर्फ जवाब देना है, आंसर देना है बच्चे, आपको सिर्फ आंसर देना है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर तुम्हें देना है। चलो बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा, इफ एंटीसीडेंट कंसेक्वेंट ऑफ ए रेशियो आर टू एंड थ्री देन द रेशियो इज, पहला ऑप्शन 2:3, दूसरा ऑप्शन 3:2, तीसरा ऑप्शन नॉट ए रेशियो एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिज। चलो जी बता दो जी, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, पिलर के पीछे वाला बच्चा बच्ची, इधर बैठ जाओ थोड़ा, कुछ भी ना दिखे। चलो जी फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में हो गए जी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखना है, इफ consequent of a ratio is 5 and its antecedent is 3, then the ratio is, पहला ऑप्शन 5:3, दूसरा ऑप्शन 3:5, तीसरा ऑप्शन नॉट ए रेशियो एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिज। चलिए बताइएगा जी, फर्स्ट ऑप्शन के पेपर में कोई है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड के पेपर में है, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। बच्चे एक बात जरा सुनो, अरे बेटा एक बात जरा सुनो, रेशियो का मतलब क्या हुआ यार? A/C ये अकाउंट्स का नाम है, ए फॉर एंटीसीडेंट, सी फॉर कंसेक्वेंट। तो बेटा एक बात जरा बताओ, यहाँ पर जो 5 है वो क्या है? कंसेक्वेंट है, तो कंसेक्वेंट के जगह पर लिखोगे, और ये 3 क्या है? एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट के जगह पर लिखोगे। रेशियो में लिखना है तो 3:5, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जरा लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंसेक्वेंट एंड एंटीसीडेंट ऑफ ए रेशियो आर एक्स एंड वाई respectively, then inverse of the ratio is, first option x:y, y:x, not a ratio, लास्ट में नन ऑफ दिज। चलो बताओ जी, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, थर्ड,
थर्ड थर्ड लास्ट। अरे बेटे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिए, हमें है लिखना रेशियो। रेशियो का मतलब है अकाउंट्स। बेटा समय दे दीजिए, गलती मत कीजिए। मैं यही बात बोलूंगा, गलती करने पर आपको चेन चोट माफ नहीं करता, पेनाल्टी देता है -0.25 का, है ना जी। तो याद रखिएगा, गलती अगर हो जाएगा तो 0 दे करके माफ नहीं कर देगा, आपको मार्क्स मिलेगा -0.25। जरा देखिएगा जी, रेशियो मतलब अकाउंट्स हो गया। ये एक्स क्या है, कंसेक्वेंट है कि एंटीसीडेंट है? कंसेक्वेंट है। और वाई क्या है बच्चे? एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट के जगह पर वाई लिख दिया और कंसेक्वेंट के जगह पर एक्स लिख दिया। लेकिन हमसे ये सवाल पूछा जाता है, रेशियो नहीं पूछा जा रहा, इनवर्स ऑफ द रेशियो पूछा जा रहा। हमारे क्वेश्चन में क्या है, इनवर्स ऑफ द रेशियो, नॉट रेशियो, इनवर्स ऑफ द रेशियो। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो क्या होगा बच्चे? इनवर्स का मतलब है उल्टा कर दो, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दो, इसको कहते हैं इनवर्स रेशियो। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? एक्स टू वाई। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? अगला सवाल जरा लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा, इफ इफ 15 इज द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ऑफ ए रेशियो 5:11, देन इट्स कंसेक्वेंट इज, पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 33, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिच। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में, फर्स्ट ऑप्शन, चलो जी। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड 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 जी थर्ड, थर्ड जी थर्ड, थर्ड लास्ट लास्ट। समझ नहीं आया, मुक्का उठाओ मारो ऐसे, देखो कैसे नहीं समझ आएगा। ये शर्म कहीं का, लिखता नहीं है ना पढ़ता है, सिर्फ खाली देखता है, तो टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं मिलेगा जी। समझ में आया जी? हेलो, ये देखो बेटा, ये रेशियो लिखा हुआ है, ये रेशियो लिखा हुआ है 5:11। अब ये बताओ, ये 15 है कौन? 15 क्या एंटीसीडेंट या कंसेक्वेंट? तो ये 15 ऊपर लिखेंगे कि नीचे? ऊपर। अब नीचे की वैल्यू पूछ रहा है, मान लो कि एक्स है, क्या आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? ऊपर से ऊपर को कैंसिल कर दो, 5:3 जा, तो बताओ एक्स इक्वल टू क्या होगा? 3:11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो क्या दिक्कत है आपको, बोलिए। दूसरा बात और सुन लीजिए, हेलो, इधर ध्यान से, बिना लिखे हुए, बिना लिखे हुए, बिना लिखे हुए, हम एंटीसीडेंट का कंपेयर एंटीसीडेंट से और कंसेक्वेंट का कंपेयर कंसेक्वेंट से करेंगे। अब जरा देखेंगे यह कि यह एंटीसीडेंट, इस एंटीसीडेंट का कितना टाइम्स है, यह एंटीसीडेंट इस एंटीसीडेंट का कितना टाइम्स है? सर 3 टाइम्स है, तो कंसेक्वेंट भी 3 टाइम्स होगा, तो 11 का 3 टाइम्स कितना होता है? 33। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं आया? आ गया, क्या आया है? नहीं आया, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया जी। हेलो, सुबह में खाली बस बीड़ी पी के चल देता है बेवकूफ। हेलो, इधर ध्यान दे, अब दिमाग गर्म रहेगा तो कहां से आंसर देगा। चलो इधर देखो अगला सवाल, इधर ध्यान से। इफ इफ द वैल्यू ऑफ द कंसेक्वेंट ऑफ ए रेशियो 6:7 इज 49, इट्स एंटीसीडेंट इज, पहला ऑप्शन 42,
दूसरा ऑप्शन 49, तीसरा ऑप्शन 35, लास्ट ऑप्शन 56। चलो जरा एक बात बताओ, बताओ जी, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। अब बीड़ी का असर आ गया बेटा, हेलो। एक बात जरा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड बेटा, सेकंड गोविंद, बता नहीं रहा तुम, विशाल, हेलो, चलो जल्दी बताओ, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आपने आंसर दे दिया जी तिवारी जी, आपको क्या हो गया है, ये 6/7 हो गया। लेकिन बताइए ये 49 क्या है, कंसेक्वेंट है या एंटीसीडेंट है? सर ये क्या है, तो कंसेक्वेंट, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। मान लो कि ये एक्स है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे को नीचे से, इसको इससे कट करो, 7/7 जा, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, 6 × 7 कितना होता है, 42। इसको बिना लिखे हुए हम लोग काम करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हम करेंगे, हेलो इधर ध्यान से देखिएगा जी, यह कंसेक्वेंट है, तो कंसेक्वेंट का कंपैरिजन कंसेक्वेंट से होगा। तो बताइए यह 49 इस 7 का कितना टाइम्स है, 7 का कितना टाइम्स है, तो इसका भी 7 टाइम्स हमारा एंटीसीडेंट होगा, तो 6 का 7 टाइम्स कितना हुआ, 42। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा आप आंसर बताइएगा। क्वेश्चन लिखेंगे इफ, एक मिनट सुनो, इफ नहीं लिखो जी, ऐसे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ कंसेक्वेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द रेशियो 4:5 इज, पहला ऑप्शन 4, 5, 7, नन ऑफ दीज। चलिए बताइएगा जी, पहला ऑप्शन के फेवर में कोई है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी, क्या हुआ, लाइट बंद कर दो यार, एक इधर का लाइट बंद करो, एक ओके जी, ठीक है, अब अरे ये बंद कर दो ना, ये नहीं चलेगा, ये ऑन कर दो, ये बंद कर दो, अब ठीक है, मैं दिख रहा हूं, तो चश्मा फेंक दो, इधर ध्यान देना जी। चलो एक बात जरा बताओ, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, चलो सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। अरे बच्चा एक बात जरा सुनो, इस रेशियो का हमें क्या करना है, हमें इस रेशियो का क्या करना है बच्चे, इस रेशियो का हमें इनवर्स करना, तो 4:5 का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स रेशियो, ये 4:5 का मतलब 5/4, तो बताओ जी 7/4 को क्या कहेंगे, कंसेक्वेंट कहेंगे कि एंटीसीडेंट, कंसेक्वेंट हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंसेक्वेंट, तो कंसेक्वेंट कितना हुआ, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अब अगला साइड, तो क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, अब जरा लिखोगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये है बच्चे, यहां पर जरा लिखना है, द रेशियो ऑफ 3 meter एंड 80 centimeter इज, पहला ऑप्शन 3:80, दूसरा ऑप्शन
पंद्रह इस टू चार, तीसरा ऑप्शन नॉट ए रेशियो, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलिए बताइएगा जी, पहला ऑप्शन के फेवर में, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अरे तू खाली सैल्यूट मारेगा कि कौन सा थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लास्ट वाले बताइए आंसर क्या होगा। 30:8, ये 30:8। अब 15:4 में क्या अंतर है? अरे बेटा 30:8 और 15:4 में क्या अंतर है? क्या होगा? तो अभी तो नन ऑफ दिस उठाया था। और जी इधर नन ऑफ दिस वाले बताइए क्या होगा आंसर? हाँ अब भी होगा बेटे, एक मिनट सुनो। हेलो, रूल यही है, रूल यही है बच्चे, एक बात जरा सुनो। यूनिट ऑफ बोथ टर्म्स मस्ट बी इक्वल, यूनिट्स ऑफ बोथ टर्म्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। इफ नॉट इक्वल, इफ नॉट सेम, कन्वर्ट देम ऑफ सेम रेशियो, सेम यूनिट, ओके, कन्वर्ट देम ऑफ सेम यूनिट, ठीक है। अगर इफ कन्वर्जन इन सेम यूनिट इज नॉट पॉसिबल, देन रेशियो ऑफ दोज टर्म्स कैन नॉट बी ऑब्टेंड। क्लियर? तो याद रखिएगा जी। हेलो बच्चे, यहां पर जरा देखिएगा, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, ये दोनों का दोनों लंबाई की यूनिट है, इसलिए मीटर को, मीटर एक बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। हम मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा देखोगे, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना आसान है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम डेसिमल से भागेंगे, हम डेसिमल से अलग रहना चाहेंगे। तो अब जरा एक बात बताइए, अब इसी का हमें रेशियो बनाना है, तो हम लोग रेशियो लिखेंगे बच्चे, 3 मीटर है और यहाँ पर है 80 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटे, बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया और ये 80 सेंटीमीटर हो गया। बेटा एक कैंसिल हो गया, 2 से हो गया 15 और 2 से हो गया ये 4, तो रेशियो कितना आया, 15/4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? और उसी से पूछो, समझ में आया जी। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगला सवाल जरा लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान से देखिएगा जी। द रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर एंड 750 मीटर इज 5 किलोमीटर एंड इतना इज, पहला ऑप्शन 5/5, ये हो गया 1:1:150, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में लिखोगे यहां पर 20:3, तीसरा ऑप्शन में लिखोगे नॉट ए रेशियो, एंड लास्ट में लिखोगे नन ऑफ दिस। चलिए बताइएगा जी, पहला ऑप्शन के फेवर में कौन है, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? कोई नहीं है जी। सेकंड ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, लास्ट। हाँ बेटे एक बात जरा सुनो, क्या दिक्कत है, बोलो बेटे बोलो, इधर ध्यान से दो बेटा, एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखो, कोई दिक्कत बेटा? देखो यहाँ पर किलोमीटर है और ये दूसरा मीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, यहाँ 5 किलोमीटर, रेशियो इज इक्वल टू बच्चे 5 किलोमीटर है,
और ये हो गया 750 मीटर। अब जरा बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर, बोलो बोलो, 1000, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर, 5000 मीटर, और ये हो गया 750 मीटर। अब इसको सिंपलीफाई करना है जी, तो बच्चे 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 होगा 25 से 20, तो रेशियो हमारा कितना आएगा 20:3, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कर लोगे, कर लोगे तो एक सवाल और लिख ले, एक मिनट लिखिए, द रेशियो ऑफ ठीक है जी, 3 रुपए एंड 30 पैसे एंड 7 रुपीस एंड 70 पैसे इज, पहला ऑप्शन 2:3, दूसरा ऑप्शन 7:3, तीसरा ऑप्शन 3:7, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिच। चले बताइएगा जी, पहला ऑप्शन के पेपर में कोई है, फर्स्ट ऑप्शन कोई है, नहीं है जी, सेकंड, थर्ड के फेवर में कौन कौन है, थर्ड, इधर ध्यान दे जाइएगा जी, एंड लास्ट के फेवर में क्या दिक्कत है, बोलो बेटा बोलो, क्या नाराजगी है इस क्वेश्चन से, हाँ बेटा एक बात जरा बताओ, बोलो बेटा बोलो, क्या नाराजगी है इस क्वेश्चन से, कुछ ने जवाब नहीं दिया जी, क्या हाल है भाई, फ्री का असर खत्म हो गया, बोलो अब इधर देखो अरे देखो बेटा, दोनों को हमें क्या करना है, सेम यूनिट में बदलना, तो रुपया और पैसा तो जानते हो ना, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 16 पैसा, 100 पैसा, तो 3 रुपये में कितना पैसा, तो बेटा एक बात जरा सुनो, रेशियो निकालना है हमें, तो रेशियो इक्वल टू, बेटा इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, तो हमारा एंटीसीडेंट में जो होगा वह 3 रुपये 30 पैसे, 3 रुपये एंड 30 पैसे डिवाइडेड बाई 7 रुपये एंड 70 पैसे। अब दोनों को हमें पैसे में बदल दो, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 3 रुपये 30 पैसा में कितना पैसा, 330 पैसा। बेटा ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ते आ रहा, अब बताओ जी 7 रुपये 70 पैसे की कितने पैसे, 770 पैसे। ये तीनों का ये हो गया जी, 0 0 कैंसिल, 11 से करोगे तो 3 ये हो गया 7, ये कितना आएगा 3/3, रेशियो क्या होगा 3:7, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बोलो, कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है, ठीक है जी। हेलो इधर देखो, द हाइट एंड वेट ऑफ मिस लिख दो, गलत हो जाएगा लेकिन, प्रियंका चोपड़ा, ये शर्म बच्चा, ये मत बोलना कि सर बार बार उसी का नाम क्यों लेते हैं, हेलो हाँ हेलो, हाँ बेटे तुम्हारे नजर में मिसेज है, मेरे नजर में मिस है, ठीक है, शांत रहो, आर आर 170 सेंटीमीटर एंड 60 kg रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ हर
हाइट एंड वेट इज, पहला ऑप्शन 17:6, दूसरा ऑप्शन 6:17, तीसरा ऑप्शन नॉट ए रेशियो एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। लास्ट ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। चलो जी अब बताओ जी, बताओ फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जी एंड लास्ट ऑप्शन। हेलो बेटे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। अरे बेटा एक बात जरा बताओ, हाइट एंड वेट, ये जो दोनों है ना, ये हाइट और वेट, ये दोनों का रेशियो लोगे, हाइट इज 170 सेंटीमीटर और ये हो गया 60 सेंटीमीटर, किलोग्राम है ना जी, किलोग्राम। अब किलोग्राम के सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, एक किलोग्राम में कितना सेंटीमीटर, बोलो जी बोलो, सेंटीमीटर बदल रहा था तुम उस दिन, एक किलोग्राम में कितना सेंटीमीटर बताओ। हाँ जी वो बच्चा बता रहा था, एक किलोग्राम में सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, हमने कहा कितना होता है, ठीक है। हेलो अब जरा मान लो एक किलोग्राम में मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट कितना है 50 किलो, तो 50 × 1000, तुम्हारा हाइट क्या 50,000 सेंटीमीटर है। 50,000 सेंटीमीटर का मतलब इस रूम में घुसा कैसे, ठीक है। हेलो हाँ जी, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, गोविंद महतो विशाल सहसा कुछ पढ़ रहा है कि खाली टाइम पास कर रहा है, जल्दी बताओ बेटा। ये दोनों के दोनों यूनिट सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन सेम यूनिट, इसका मतलब है नॉट ए रेशियो, नॉट ए रेशियो, नॉट ए रेशियो, ए रेशियो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स नहीं है? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इस टाइप का सवाल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, एक सवाल और थ्योरेटिकल बनता है, नॉर्मली कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द यूनिट ऑफ ए रेशियो इज, पहला ऑप्शन रुपीस, दूसरा ऑप्शन सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन किलोग्राम, लास्ट ऑप्शन नो यूनिट। चलो जरा बताओ फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में, फर्स्ट ऑप्शन कोई है? सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। ये बच्चा ऐसे बैठा हुआ दुखी मन से, दुखी मन से। हाँ क्या जी, क्या दुख है जी? हाँ बेटे क्या दुख है बताओ, पीढ़ी खत्म हो गया? हाँ जी हेलो, ठीक है, दुखी मन से यार, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो या क्या करना है, है ना जी? तब है ना जी, जवाब तेरे तरफ से नहीं आ रहा, उस समय से तीन ही सवाल का जवाब दियो, बाकी सब एक भी नहीं दी, सही बात बोला ना। ये भी तकलीफ में बेटा, तुम चाय पी के सुबह सुबह चला करो, ठीक है। हेलो इधर ध्यान देना, हेलो बेटा एक मिनट शांत रहिए जी, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है बच्चे, यहाँ पर देखिएगा, जैसे पैसा है, पैसा पैसा खत्म, तो क्या बच्चा कुछ भी नहीं, इसलिए रेशियो का यूनिट नहीं होता। यहाँ देखिएगा मीटर है खत्म, तो क्या यूनिट होगा, कुछ भी नहीं, तो रेशियो का कुछ भी यूनिट नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आ गया? ये थ्योरेटिकल सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं बच्चे एक बात जरा सुनो, अब हम लोग आगे के पॉइंट पर चलते हैं, अब हम लोग को जानना है, और वो जानना है कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो।
अब हमें जानना है कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो। सुनिए इधर ध्यान से, अब हमें जानना है कंबाइंड या कंपाउंड रेशियो। कंबाइंड या कंपाउंड रेशियो ये क्या होता है जी? बच्चे एक बात जरा सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज को हम लोग कंबाइंड या कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना जी। हेलो, एक मिनट शांत रहिए बच्चे। प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज को कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो बोलते हैं, क्लियर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से क्वेश्चन जो लिखते हैं उस पर जरा सवाल करिए, और इसीलिए बना है ये। चलिए जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेट रेशियोज ऑफ ए इज टू बी। तो अच्छा लिखने में नहीं बन रहा, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4 is to C is equal to 8:5, then A is to C equal to how much? हमको बताना है कि A is to C क्या होगा। बच्चे एक बात जरा सुनो, A is to C मतलब दोनों में जो कॉमन है टर्म, वो टर्म को हटाना है। ये दोनों का जो कॉमन टर्म है, ये दोनों टर्म को क्या करना है, हटाना है। तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, ये A upon B है, दूसरा B upon C है। हटेगा तभी जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हटेगा तभी जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a by b equal to 3:4 हो गया, और ये हो गया जी 8:5 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं जरा सिंपलीफाई करिएगा, 4 से कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, b से b कैंसिल, समझ में आया। bb को काट दो, बचेगा कौन, a by c। अब जरा बताओ कितना आया, 6:5, तो रेशियो आया a is to c equal to 6:5, और ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं जरा अपने किताब पर चलते हैं, और अपनी किताब निकाल लीजिए, और उस किताब में से जरा 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 ए वाला एक सवाल जरा लेते हैं हम लोग। एक मिनट शांत रहिएगा जी, जरा इधर ध्यान से बच्चे, टाइप वन का क्वेश्चन नंबर वन एक बार फिर देखिएगा, जो बच्चे कर लिए हैं फिर भी बनाइए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू जल्दी बनाना है, 10 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर वन तुम तक कर लिया है फिर भी कर लो, ठीक है। हाँ जी, और चलो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है, फर्स्ट ऑप्शन भैया जी, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड जी सेकंड, थर्ड, लास्ट। बहुत बढ़िया जी, हम लोगों को क्या करना है, ए इज टू सी निकालना है। ए इज टू सी कैसे आएगा, जब इस दोनों रेशियो को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर है 2:3, दूसरा है 5:7। अभी क्या करोगे अब बताओ, बीबी को काट दो, बचेगा क्या, ए बाई सी। राइट साइड में कोई कैंसिल होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, नहीं सर, 2:5, 7:3, ये आंसर हो गया 10:21। तुम में से किसका किसका गलत हुआ, गलत करने वाले कौन होनहार बच्चा है। हाँ जी, गलत हो गया ना जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताइए, ये खाली बीबी के पीछे पड़ा हुआ बेटा तुम। हाँ जी हेलो, चलो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताइएगा, ऑप्शन ए के फेवर में कोई है, बी के फेवर में, हाँ जी बी के फेवर में, बेटा दूसरे के हाथ देखकर अपना हाथ मत उठाया करो। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। अब क्या करोगे, तीनों रेशियो को क्या करेंगे, हम तीनों रेशियो को क्या करेंगे, तो ए बाई बी, दूसरे है बी बाई सी, तीसरा है सी बाई डी,
तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन टर्म हट जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो गया 3/4, ये हो गया 5/6 और ये हो गया 11/9। क्या करेंगे जी, बीबी कैंसिल, सीसी कैंसिल, तो ए अपॉन डी बच गया, बचा कौन, इसमें कैंसिल होने वाला है 3 2 6, अब कोई कैंसिल होने वाला है, कुछ भी नहीं, 11 5 55 और 9 8 72, या 55:72 एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे जी, अरे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इतना आसान सवाल तुमने कर लिया है तो 2017 जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 6 आया है, ये बताइए, ठीक है, आप देख सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन भी पेपर में आता है, आता है जी, जल्दी बताओ। शालिनी, तेरे से छोटा सवाल नहीं बना, मैंने गलत नाम बोल दिया क्या, बोला सही, पहली बार सही बोला, पहली बार, अच्छा जी, चलो जी धन्यवाद। एक बात जरा सुनो, इस सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए ए बाई बी, दूसरा है बी बाई सी, तीसरा है सी बाई डी, ए बाई बी है 2/3, ए है 4/5 और ये है 6/7, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो ए बाई डी बच गया, कैंसिल होगा 3 2 6, अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो क्या आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे, बोलिए जी बोलिए। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो आप बता ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जनवरी 2021 में आया क्वेश्चन है, ये जनवरी 2021 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आंसर आपको बताना चाहिए। बोलो बेटा बोलो, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 15:17 है, कंसेक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 15, तो एंटीसीडेंट क्या होगा, 70, यही होगा ना जी, समझ में आया। हाँ जी बच्चे बोलो, विशाल, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा, टाइम खत्म। बेटे एक बात जरा सुनो, हमें निकाल कर बताना है एक्स वाई की वैल्यू, और दोनों में एक्स कॉमन है, इसका मतलब है एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स तभी हटेगा जब आप इस दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए एक्स बाई वाई इंटू 2/x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/6 इंटू 1/2, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब बताओ जी वाई इक्वल टू कितना हुआ, वाई इज इक्वल टू 6 हुआ ना, अरे बेटा नीचे वाला के इक्वल होगा, तो वाई इक्वल टू 6, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पेपर में और आया हुआ है, और वो है टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 2 या 3, पी और क्यू वाला क्वेश्चन होगा, पी और क्यू वाला सवाल है बच्चे, इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में टाइप, जरा देखोगे 8 नहीं है जी, हाँ 8 का है, तो टाइप 8 क्वेश्चन नंबर है आपका 3, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिएगा जी, ये है 2007 अगस्त CACPT में ये क्वेश्चन आया था, इसके आंसर बताना है, और यही सेम क्वेश्चन आपके सीए इंस्टीट्यूट के बुक में भी है, यही सेम क्वेश्चन आपके सीए इंस्टीट्यूट के बुक में भी है, चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है, फर्स्ट ऑप्शन कोई नहीं है जी, सेकंड ऑप्शन थर्ड लास्ट, अरे भैया क्या दिक्कत, अरे बताओ क्या दिक्कत बताओ, अरे बेटा सुनो, यहां पर जरा देखिएगा,
यहां पर जरा देखिएगा बच्चे, यहां पर P is to Q दिया हुआ है and P is to R दिया हुआ है। हमारे को क्वेश्चन में P is to Q और A दिया हुआ है बच्चे 11/12 और दूसरा दिया हुआ है P is to R और A दिया हुआ है 9/8। तो हमसे पूछता है कि सर Q is to R की वैल्यू बताइए, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन है जी। तो बताइए जी फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन कौन है। फर्स्ट ऑप्शन एक बच्चा है, सेकेंड ऑप्शन ये लोग हैं। अच्छा जी थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे लटक गए। बच्चे हेलो, इधर ध्यान से देख लो, अब टाइम ले रहे हैं, यू आर टेकिंग टू मच टाइम। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से बेटे, इसमें हमें Q और R के बीच का रिलेशनशिप चाहिए, इसका मतलब P इज द कॉमन टर्म इन बोथ रेशियो एंड वी हैव टू रिमूव P फ्रॉम द दिस टू रेशियोस, ये हमें हटाना है, हमें कैसे करेंगे। तो बेटे एक मिनट सुनो बच्चे, तो याद रखिएगा, सुनिए एक मिनट, फिर मैं बोल रहा हूं बार बार ध्यान दीजिएगा। एक Q इज टू R है, ये Q ऊपर में है और R नीचे में है, तो याद रखिएगा जिस रेशियो में Q है उस रेशियो में Q ऊपर होना चाहिए और जिस रेशियो में R है उस रेशियो में R नीचे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उस तरह से बदल दीजिए। तो बच्चे हम इस सवाल को, P by Q है, Q ऊपर होना चाहिए तो Q को ऊपर कर दो और P को नीचे करोगे तो ये 12/11 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब जरा देखो R है तो जिस R यहां डिनोमिनेटर में है तो यहां भी तो डिनोमिनेटर में है, इसलिए दूसरे रेशियो के टर्म्स को रेसिप्रोकेट करना जरूरी नहीं है, है क्या, नहीं है, दूसरे रेशियो के टर्म्स को चेंज करना कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Q by P into P by R is equal to यहां 12/11 और ये हो गया 9/8 पीपी को काट दो, पीपी एक 4 से 2 हो गया, 4 से 3 हो गया, और कोई कैंसिल होने वाला है, लेफ्ट साइड में आपका Q is to R तो राइट साइड में 9 3 जा 27 और 11 22 जा 22, तो ये हो गया आपके आंसर। एंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए वाले गलत एंड ऑप्शन बी वाले सही, समझ में आया, ऑप्शन बी वाले सही, ऑप्शन ए वाले गलत हो गए जी, है ना, तब -0.25 चढ़ गया माथा पर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ये है कंबाइंड रेशियो का इस टाइप का सवाल, लेकिन बच्चे कुछ कंसेप्ट और जानना पड़ेगा तब हम टाइप 3 का क्वेश्चन कर पाएंगे, हम इसके कुछ और तरीके जानेंगे उसके बाद टाइप 3 का सवाल जान पाएंगे। टाइप 3 में भी आपको कंपाउंड रेशियो ही है, और आप जरा देखिएगा बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखो, टाइप 2 हो गया ये टाइप 3, हाँ जी अब टाइप 3 तो नहीं, टाइप फोर में है बच्चे, ये सभी रेशियो को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए जी। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप बताइए, पहला ऑप्शन के फेवर में कोई है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अरे बच्चा इस सवाल में कुछ है यार, 2/5 और 3/4 दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ऊपर 3 और नीचे 10, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बता सकते हैं,
ओके मेरे एक मिनट सुनो, ऐसे ऐसे सवाल अगर आए तो बस ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए मत, कैलकुलेटर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे लिखेंगे 2/3 कैलकुलेटर से इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10 इक्वल टू का बटन दबाइए, देखिए कैलकुलेटर क्या बोलता है। जरा इधर देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा हमारा कैलकुलेटर है, देख लो बेटा हमारा कैलकुलेटर है ये, इधर देखो यहाँ लिखा है 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10 इक्वल टू, इसको राउंड अप करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 हमारा 1 का मतलब 1:1 1 आ गया, मतलब 1:1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुम में से किसका किसका गलत नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा गलत हो गया, मैंने तो ये पूछा किसका किसका गलत नहीं हुआ। चलो जी बहुत बढ़िया, अब जरा सुनिए, इसमें है जैसे डुप्लीकेट है ट्रिप्लीकेट है, ये वाली बात मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए मैं इस सवाल को इस टाइप को अभी रोक रहा हूं। चलते हैं बच्चे, अब एक बात जरा सुनो, अब हम लोगों को ये जानना है, हेलो इधर ध्यान से देखिएगा जी, अब हम लोग को जानना है और वो है कंटिन्यूड रेशियो, सुनिए हेलो, अब हम लोग को जानना है कंटिन्यूड रेशियो, जरा इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगला पार्ट ये है और वो है हमारा कंटिन्यूड रेशियो। हाँ तुमको नहीं लिख रहा है तो मुझे तो दिख रहा है ना, तुमको भी दिख रहा है, देखो ओके जी, हाँ जी तब कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है जी बेटे, कंटिन्यूड रेशियो का मतलब क्या हुआ, हेलो जैसे क्वेश्चन ये है, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 6:5 देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, हमें ये बताना है, ठीक है ना जी। कंटिन्यूड का मतलब ये होता है कोई रेशियो, ये देखिएगा ये देखिए यह रेशियो बी पर एंड हो रहा है तो दूसरा बी से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी टर्म है सभी के बीच के रिलेशनशिप को बताना, ये हमारा कंटिन्यूड रेशियो होगा, ठीक है। एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज टर्म्स ए बी एंड सी, तो हम काम कैसे करेंगे, सुनिए बच्चे एक बात जरा सुनिए पहले डिटेल में, क्योंकि हमें खाली सीए फाउंडेशन पास नहीं करना है, हमें सीए पास करना है, सीए बनना है, ठीक है, तो हमें पूरी कंसेप्ट भी जानकारी चाहिए, कंसेप्ट नहीं जानेंगे दिक्कत होगा, ठीक है ना जी। हेलो इधर ध्यान से देख लो, यहाँ ए इज टू बी बच्चे ये 2:3 है, और याद रखिएगा जी यह ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा जी आमने सामने लिखना बी इज टू सी, तो बी के सामने बी को लिखोगे, अब यह सी जो होगा बी के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा या बी के राइट साइड में लिखा जाएगा, बी के किस साइड में लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये है, जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा बी इज टू सी, बी इज टू सी, तो यहाँ क्या होगा ए और ये हो गया 5, ये सी के सामने ये लिखा गया। अब जरा एक बात जरा सुनिएगा, जब भी कंटिन्यूड रेशियो बनाना है तब तक है क्लास में नींद आता रहेगा, कंटिन्यूड रेशियो बन जाएगा तो क्लास के नींद भाग जाएगा, ठीक है ना प्रसिद्ध, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर देखो, नींद भाग गया बेटा, मेरा काम है नींद भगा देना, ठीक है, हाँ जी एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से देख, हाँ ये बोल कुछ भी बोल देते हैं सर, हाँ जी हेलो इधर ध्यान से देखिएगा,
चुप बेशरम, मारूंगे एक मुक्का ना, ठीक है, मोतिहारी घूमने लगेगा। एक बात जरा सुनो सुनो, इधर ध्यान से बेटा, इधर ध्यान से मेरे को बताने दो। दोनों में जो कॉमन टर्म होगा उसको हम आमने सामने लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन टर्म होगा उसको हम कहां लिखेंगे, आमने सामने लिखेंगे। बेटा ये हमारा, ये दोनों में कॉमन टर्म है, आमने सामने लिख दिया। ये b का वैल्यू है और ये भी b का ही है, ये दोनों को आमने सामने लिख देंगे, लिख देंगे। और याद रखिएगा, टू फाइंड कंटिन्यूड रेशियो, टू फाइंड कंटिन्यूड रेशियो मिडिल टर्म दैट इज कॉमन टर्म मस्ट बी इक्वल, इफ नॉट कन्वर्ट देम ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। अब जरा देखोगे, ये है दोनों में कॉमन टर्म हमारा क्या है, बोलो ना, थ्री है और सिक्स है, दे मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, आप इस दोनों को इक्वल बनाएं। तो जरा एक बात जरा सुनिए, इस थ्री में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये छह हो जाएगा, दो से। तो बहुत बढ़िया बच्चे, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी टर्म है सभी को दो से मल्टीप्लाई करना, का मतलब सभी को दो से मल्टीप्लाई करना। एक लाइन में और लिख देता हूं बच्चे, यहां पर देखिएगा जी, a is to b, अब a is to b में अब हम 4 लिखेंगे और यह 6 लिखेंगे। b is to c, यहां पर कितना है बेटा, 6 है और 5 है। यहां पर देखिएगा, ये दोनों के दोनों हमारा इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तब हम लिखेंगे ऐसे, a is to b is to c is equal to, यहां पर बताइए a के सामने कौन है, b के सामने कौन है, c के सामने कौन है, और ये हमारा आंसर हो गया। को नहीं मल्टीप्लाई किया, ये तो बहुत गलत बात है जी। हाँ समझाओ उसको, पड़ोसी को, अरे बेटा, अरे इसको ना हमें बराबर करना है, तो मैंने तो इस वाले में मल्टीप्लाई किया, इसको तो कुछ किया ही नहीं, तो इसको बराबर करना है ना हमें, तो मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कर दिया, नीचे वाले को करने की जरूरत है तो हम नीचे वाले में टू को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, हमें क्या करना है, ए आर द कॉमन टर्म, बी इज द कॉमन टर्म, ठीक है। तो मेक कॉमन टर्म वैल्यू इक्वल, ये दोनों के दोनों वैल्यू को इक्वल बनाना है, थ्री एंड सिक्स दे आर नॉट इक्वल, तो क्या हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये तभी होगा जब इस दोनों टर्म को आप टू से मल्टीप्लाई करोगे। तो टू से मल्टीप्लाई करना मतलब इसको भी टू से और इसको भी टू से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा अब सिक्स हो गया, ये हमारा फोर हो गया, मैंने लिख दिया। और डिनोमिनेटर, अरे नीचे वाला जो रेशियो है उसको तो कुछ करना ही नहीं, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गया, अब करना कुछ नहीं है, आमने सामने वाले नंबर को लिख दीजिए, बस जो आया वो हमारा आंसर आया। नॉर्मली आपके पेपर में, नॉर्मली आपके पेपर में बेटे तीन टर्म का क्वेश्चन आता है, नॉर्मली आपके पेपर में तीन टर्म्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन अगर चार टर्म्स का भी अगर आए तो आप काम करोगे, चार टर्म्स का भी अगर आए तो हम काम करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तीन छूट ने रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन नया ऐड किया है, रेशियो प्रोपोर्शन में तीन छूट ने कुछ क्वेश्चन नई ऐड किया है, और वो भी आपको एक्सरसाइज में ऐड नहीं किया है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ऐड किया है, और वो हालांकि उसमें कुछ गलतियां भी है, उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको हम लोग ठीक करके उसको पढ़ेंगे, लेकिन अंत में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, ये समझ में आ गया, कर लोगे ना। लेकिन बच्चे यही काम अगर हमारे CA फाउंडेशन में अगर आएगा तब हम काम कैसे करेंगे। तो बच्चे CA फाउंडेशन की तरीका से काम करेंगे। बेटा सोना नहीं है, यहां पर देखो क्या करना है हमें, चांदी है। हाँ जी, हेलो बेटा, एक बात जरा बताओ, सोने का रेट बढ़ गया तुरंत, है ना जी, तो जो चलाक लोग था जैसे ही डाउन हुआ था कुछ खरीद लिया, और इधर फिर बढ़ गया बेच लिया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये लोग ज्यादा खूब करते हैं, है ना जी। हेलो, इधर ध्यान से, ठीक है, इधर देखो बेटे, इधर देखो,
अब हम इस पर ट्रिक्स का काम करेंगे बच्चे, ट्रिक्स का काम करेंगे। और इस ट्रिक्स में क्या करेंगे जरा देखिएगा जी, जैसे मान लेते हैं कि 40 है और ये मान लेते हैं 70 है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या है बोलो शिवानी, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 10 है, तो 10 से दोनों को डिवाइड करेंगे, एक आएगा 4 आएगा और ये 7, यही आएगा ना जी। तो अब जरा आप ही बताइए, कॉमन फैक्टर का मतलब है वह लार्जेस्ट नंबर जिससे इस दोनों को डिवाइड किया जा सके, द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस टू टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चे, कॉमन फैक्टर क्या है 10। अब कॉमन फैक्टर, हेलो, कॉमन फैक्टर हम भिन्न भिन्न तरीका से ला सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। तो बच्चे कब किसकी जरूरत पड़ जाए हमें मालूम नहीं है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम काम कैसे करेंगे जरा एक मिनट सुनो, मैं देख रहा हूं मैं कि कौन पढ़ रहा है, देखो वो बाल्स में से जू निकाल रहा है राकेश, इसमें बाल ही नहीं, हो जू कहां से निकालेगा, ये लीजिए जी इसमें तो है ही नहीं, मंगाइए जरा चाय मंगाइए, कॉफी कॉफी मंगाइए, ये पेन ड्राइव रखिए। हेलो, अब जरा एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका क्या क्या है सुनिए, एक बात जरा सुनो। हेलो, पहला बात बेटा एंटीसीडेंट है 40, 40 में ऊपर वाला को ऊपर वाले से डिवाइड करोगे तो हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी, नीचे वाले को हम नीचे से डिवाइड करेंगे तो अभी हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। दोनों का अगर जोड़ है, सम है, 40 प्लस 70 कितना हुआ बोलो बेटा, बोलो 110, ये दोनों का जोड़ है तो आपको रेशियो के दोनों टर्म्स को जोड़ करके डिवाइड करोगे, 4 प्लस 7 से डिवाइड करोगे तो अभी आपको कॉमन फैक्टर आएगा। अगर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे 70 माइनस 40 कितना आया 30, 30 आया ना, तो बेटे हमें राइट साइड में भी डिवाइड करना है डिफरेंस से ही, तो हमारा क्या आएगा 7 माइनस 4 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो अभी आपको कॉमन फैक्टर आएगा। हम कॉमन फैक्टर इस चार तरीके से निकाल सकते हैं, समझ में आ गया जी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ये कॉमन फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें काम जो करना है सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर का खाली पता लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सुनिए एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से, इस वाले में इस वाले से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इस वाले में इस वाले से डिवाइड करेंगे, ये दोनों का दोनों अगर इक्वल आ गया तो ये आंसर ठीक है, नहीं तो गलत, बस यही हमें चेक करना है और कुछ नहीं करना है। बच्चे एक मिनट शांत रहिएगा जी, ये सवाल है और इधर ध्यान से देखिएगा जी, टाइप वन का क्वेश्चन नंबर 3, टाइप वन क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें बताना है। बच्चे एक बात जरा सुनो, ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हमें सीए फाउंडेशन के जैसे करना चाहिए। बच्चे एक बात जरा सुनो, हेलो, हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो कहता है कंटिन्यूड रेशियो बताओ, हम कंटिन्यूड रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सुनो बेटा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, हम एक एक रेशियो को सुनो, इन्हीं 3 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, अगर नहीं होगा तो नन ऑफ दिस सही होगा, यही होगा ना जी। तो सुनिए, अगर ये सही है तो यह एक्स है, ए वाई है और ए जेड है, यही है ना जी। हम हर रेशियो को जांच करेंगे, हम क्या करेंगे, हर रेशियो को टेस्ट करेंगे। सुनो बेटा सुनो, ये पहला रेशियो ये है, तो पहला हमारा ये है, तो पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से डिवाइड करो तो कॉमन फैक्टर होगा, एंड द कॉमन फैक्टर मस्ट बी इक्वल। तो बताओ 7 को 7 से और 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो इक्वल आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट आवर आंसर, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है।
अब जरा देखिएगा ऑप्शन बी में आइए जी, हमें यह एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, और वाई ये वाई है और ये जेड है, वाई जेड ए है, इस दोनों रेशियो को हमें चेक करना है। तो बताइएगा जी, यहाँ पर जरा देखो बच्चे, ये 35 को 7 से, 45 को 9 से डिवाइड करो, यू विल गेट द कॉमन फैक्टर, एंड कॉमन फैक्टर मस्ट बी इक्वल। तो क्या इक्वल है? 35/7 एंड 45/9, आर यू गेटिंग द इक्वल नंबर? यस, देयरफॉर ऑप्शन बी मे बी आवर आंसर। अब यहां पर है, यू चेक सेकंड टर्म, सेकंड रेशियो, ए हमारा है वाई, ए हमारा है जेड, तो हम वाई को वाई से, 45 को 5 से एंड 36 को 4 से डिवाइड करें तो दे मस्ट बी इक्वल। तो क्या है, आर यू गेटिंग द इक्वल नंबर? देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसे करेंगे और इससे हमें लिखना नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी फायदा क्या है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा और हम आंसर फटाफट निकाल लेंगे। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स नहीं है? चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, इसी तरीका से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, आप बनाइए, मैं समान आराम से सो रहा हूं, क्या ना पहले किया था भी करो, बेटा घर से करके लाए थे, क्या बन गया, चाय बन गया कि कॉफी बन गया? विशाल बाबू जल्दी बताइए, और फोर का तो आगे वाला भी करो ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। देखो बेटे एक बात जरा सुनो, जब तुमने कर ही लिया तो मैं पूछ ही लेता हूं कि किसका किसका गलत हुआ, ठीक है ना जी? हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, मेरा फोटो है उधर देखो, ठीक है? बताओ फर्स्ट ऑप्शन के फिर फोर का फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। बच्चे एक बात जरा सुनो, हम जीबीसी से जाएंगे, यहां पर 10/2 5 और 21/3 नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग। 10/2 5 और यहां पर है 15/3 5, ठीक है 15/3 5। अब यह बी इज टू सी है बच्चे, ए हो गया बी और ए हो गया सी, तो 15 में 5 से डिवाइड करो और 21 में 7 से, इक्वल आया, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। ये दोनों के रेशियो को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी इज सेटिस्फाइंग, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा बताइए, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अरे गजब हाल यार, तुम दुखी क्यों रहता है, गजब हाल है भाई, फटाफट जवाब दिया करो, दिखना चाहिए कि यार हम जंग में लड़ रहे हैं, नहीं शांति से बैठा हुआ एकदम, हाथ उठाएगा ऐसे किसी का नजर ना पड़े। प्रभु जी एक बात बताइए, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन कौन नहीं है? सब नहीं है, ठीक है जी। हेलो, ये 48 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 48/6 56/7 इक्वल आ गया। अब इसकी चेक करना है, 56/8 और 63/9 इक्वल आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपने ये भी सवाल कर लिया, सीए इंस्टीट्यूट के किताब में 3 रेशियो वाला कंटिन्यूड फंक्शन 4 रेशियो वाला नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट के किताब में नहीं है, सिर्फ मेरे किताब क्विकर में है, और मैंने अपने क्विकर में करीब 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनाकर डाला हुआ है, 3-4 क्वेश्चन, एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और एग्जाम्पल में शायद 1 या 2 क्वेश्चन, इतना मैंने बनाकर खुद बनाया है और डाला है क्विकर में। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, चेक करना है हमें, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है, ठीक है ना जी? हेलो,
इधर ध्यान से देखिएगा जी, ये मान लो कि ये देखिएगा, तो 20 में 5 से 14 में 3 से इक्वल नहीं है, गोली मारो इसे। 20 में 5 से और 9 में 3 से इक्वल हुआ क्या? अरे 20 बाई 5 4, 9/3 इक्वल हुआ? नहीं हुआ, तो बी आंसर गलत है। हम आगे क्यों मेहनत करें फिर? हाँ जी, अब जरा बताओ, ये देखो ना, 20 9, यहाँ भी 20 9 है। जब यहाँ पर रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पागल है, हम इसको क्यों चेक करें, हम समय क्यों बर्बाद करें? दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी। अब आइए, आपका लास्ट आ गया, ये लास्ट आ गया जी, 20/5 और 12/3 इक्वल आ गया। अब इसकी जांच करिए, सी बी है, बी है और सी है, तो 12/6 और 14/7 ए भी इक्वल आ गया। अब इसकी आई, अब सी डी 14/14 9/9 इक्वल आ रहा है, इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कर सकते हो ऐसे सवाल, अगर आ जाए तो कर सकते हो, कर सकते हैं बच्चे। एक मिनट शांत रहिएगा जी। ए है कंटिन्यूड रेशियो, और कंटिन्यूड रेशियो का काम, ओहो, कंटिन्यूड रेशियो का काम, बेटे एक बात सुन लो, फिर मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ये जिंदगी तुम्हारा है, इसको खूबसूरत बनाना तुम्हारे हाथ में, ठीक है? या तो इस जिंदगी को बर्बाद कर लो, या इस जिंदगी को खुशनुमा बना लो, ठीक है जी? याद रखिएगा, अपने लाइफ को अगर खूबसूरत बनाएंगे, टैलेंटेड बनाएंगे, और अगर ये हो गया तो सिर्फ तुम्हारे को फायदा नहीं है, तुम्हारे पूरे परिवार को फायदा हो, तुम्हारे पूरे परिवार खुश रहेंगे, और जब पूरे परिवार खुश रहेंगे तब तुम खुश रहोगे, ठीक है? परिवार का एक भी आदमी अगर मान लेते हैं तकलीफ में हो जाता है, तो हर आदमी तकलीफ में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी तकलीफ में है तो सब बाकी सब रिलैक्स है, ऐसा होता है क्या बताओ? अभी अगर मान लेते हैं पापा की तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ बैठेगा, भाग जाएगा तुरंत, तो असर हुआ ना, इफेक्ट हुआ ना, तो वही बात है कि इसलिए अपने आप को सुंदर बना लीजिए। सुंदर का मतलब ये नहीं कि हम खूबसूरत देखने में लगे, ठीक है? हाँ जी, खूबसूरत देखने में लगे वो नहीं सुंदर, ठीक है? हाँ, मतलब टैलेंट में खूबसूरत, ठीक ठीक है बच्चे? हेलो, इधर ध्यान देना। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, तो वो बना लीजिए और उसके बाद आप काम करिए, नहीं करेंगे तो बच्चे बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकता आदमी, ठीक है? और लड़कों को तो ऑप्शन चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं, लड़कियों को चांसेस नहीं मिलता, रियलिटी ये है। एक अटेम्प्ट के बाद 2 अटेम्प्ट मिल गया, तीसरी अटेम्प्ट के बाद 10 हो गया, शायद ही कोई पेरेंट्स जो है अलाउ करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि बेटा चलो अब शादी के पीछे ज्यादा पड़ा हुआ। तुम्हारे पापा, मैं तुम्हारे बोलता हूँ, हाँ जय शर्मा को खाली शादी शादी होता है एकदम, ठीक है? हाँ जी, पता है ना सीतामढ़ी में है, नलकटुआ भिराएगा और कहेगा चलो शादी हो गया, समझता है? हेलो, हाँ जी, अभी डर गया, ठीक है जी, तू जाना ही मत वहां, यहीं पर रहना। हेलो बच्चे, एक मिनट सुनो, मैंने आपको जो बता दिया, कंबाइंड रेशियो और कंटिन्यूड रेशियो, ये दो बता दिया, दोनों के दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन बेटा ये दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम को सोल्व करने में होता है, और वो लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन इस किताब में नहीं है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप लोग करोगे, ठीक है? मैं कंसेप्ट बता दिया, एंड यू विल हैव टू यूज दैट कंसेप्ट टू सोल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है ना जी? तो मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ जी, जरा इधर देखे, देखा बेटा सच बोल रहा हूँ यार, ठीक है जी? हेलो, सच बोल रहा हूँ,
डिग्री मिलना एक दूसरी बात है, हेलो, डिग्री मिलना एक अलग बात है, टैलेंट होना एक दूसरी बात है। अगर बाई चांस डिग्री नहीं भी मिलता है, अगर आप में टैलेंट है तो आप बेहतरीन कुछ कर ही लेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन अगर दिल से चाह लें, दिल से चाह लें तो बच्चे चारों तरफ के जितने भी शक्तियां हैं तेरे सफलता में लग जाती है और बच्चे तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन बेटा तुम चाहोगे तब ना, खाली सोच लेने से नहीं, सोचना और चाहने करने में अंतर है, करो। अब जरा एक बात जरा सुनो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। इधर ध्यान से देखिएगा जी, क्वेश्चन ये है बच्चे, लेट ए बी एंड सी आर थ्री इन्वेस्टर्स ऑफ ए कंपनी एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ठीक है जी। इफ इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, ए एंड बी इज 3:4 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज दैट ऑफ 12:13 if profit obtained by A and C is रुपीस 880,000 पॉइंट प्रॉफिट्स ऑब्टेन्ड बाय ईच इन्वेस्टर ऑब्टेन्ड बाय ईच इन्वेस्टर चलो जी, ये सवाल बताना है आपको, जल्दी बताइए। कौन कौन कर लिया, और बच्चे ट्राई कर लिया, आंसर आ गया, तीनों का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ऑफ ईच पूछ रहा हूं। हो गया बच्चे, एक बात रस सुनो, इधर ध्यान से बच्चे, मैं आपसे सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, अब नहीं बताया तो मैं आंसर बता रहा हूं, और आप लोग आंसर जरा मिलाइएगा। हमारे को दिया हुआ है ए और बी का रेशियो, और ये है 3:4, और हमें बी एंड सी का रेशियो दिया हुआ है,
और ये दिया हुआ है 12:13, ये हमें दिया हुआ है। और ए एंड सी का प्रॉफिट दिया हुआ है 880,000 रुपए, ए दिया हुआ है। और हमें क्या कहता है, ए बी सी तीनों की प्रॉफिट निकाल कर बताइए, ए बी एंड सी तीनों की प्रॉफिट निकाल कर बताना, ठीक है। हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनिए, तो हम लोग कैसे करेंगे क्या करेंगे वो जरा सुनो बेटा, एक मिनट सुनो। ये है, दिस इज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए एंड सी, देयरफॉर बाय यूजिंग दिस टू रेशियो वी विल हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश कराना होगा, बनाना पड़ेगा। हाउ कैन फाइंड ए इज टू सी, आपको ये बताना होगा कि भाई ए इज टू सी मुझे चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो ए इज टू सी कैसे आएगा, ए इज टू सी कैसे आएगा, जब हम इस दोनों रेशियो को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे यही बात तो तुमको मैं उस समय से सिखा रहा हूं और तुम सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये हो गया जी 12 और ये हो गया 13, बी बी कैंसिल, ए बाई सी इक्वल टू 4 से 3, ये हो गया 9/13 हो गया, 9:13 हो गया ना जी। हेलो, अब जरा एक बात जरा सुनो, 9:13, ए इज टू सी इक्वल टू 9:13 हो गया, यही हो गया, ठीक है। आपने कर लिया होगा, बोलो कर लिया। चलो एक बात जरा सुनो, ये 880,000 को मुझे ये देखिएगा, ये 880,000 दिस इज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए एंड सी, इसमें बी का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, प्रॉफिट बी का इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें ए एंड सी का प्रॉफिट इंक्लूड है ना जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से, ओ बाबूजी शांत रहो, अब हम लोग कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से, 880,000 रुपए ये किसका किसका प्रॉफिट है, ए एंड सी का है, तो हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, ये दोनों का है ना, इसलिए इस दोनों टर्म्स को जोड़ करके डिवाइड करेंगे तभी हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर, एंड कॉमन फैक्टर में जरा देखोगे, अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर ये दोनों का जोड़ है, अगर ये दोनों का जोड़ है तो इस दोनों को जोड़ करके डिवाइड करोगे तभी हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। अब इतना इनटू इनटू बच्चे इनटू, अब बताओ ए का शेयर क्या है 9, अब इक्वल टू का बटन दबा दोगे आपको ए का शेयर आ जाएगा 360,000, तो 360,000 ए शेयर ऑफ ए आ गया। बेटा एक बात जरा सुनो, जब आधा करो ही, अब जरा एक बात जरा सुनिए, लेकिन अगर इसी के सी का शेयर निकालना है तो आप कैलकुलेटर पर, एक मिनट बोलने दो मुझे, मुझे बोलने दीजिए। जब कैलकुलेटर पर दोनों टर्म में जो कॉमन पार्ट है जिसको काम करना है, हम पहले उसका काम कर लेते हैं, तो हमें को क्या है ये चाहिए, इंटू 9 इक्वल टू कर दिए, यही चीज अब हमें सी के लिए भी चाहिए, तो हम इसको दोबारा टाइप नहीं करेंगे, सी का शेयर टाइप करेंगे, कैलकुलेटर के मेमोरी में ये पहले से सेव है, आपको बस इसकी टाइप करनी है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, आपको इनटू भी प्रेस नहीं करना, आपको सिर्फ 13 प्रेस करके इक्वल टू कर दोगे तो कैलकुलेटर सी की प्रॉफिट बताएगा, ठीक है। कैलकुलेटर किसकी प्रॉफिट बताएगा, सी का, मतलब इस 9 के जगह इनटू कर दोगे ना तो कैलकुलेटर इसको इस 13 से मल्टीप्लाई कर देगा, आपको कोई बटन नहीं दबाना, सिर्फ 13 टाइप करना है, तो कैलकुलेटर इस 9 को हटाकर 13 आ जाएगा, और इक्वल टू कर दोगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। आप करके देखिए कितना आया, 5 लाख
30,000, ये 5,20,000 सी का शेयर हो गया। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, अब इसके बाद जीटी का बटन प्रेस करोगे तो आपको 8,80,000 ही आएगा, 8,80,000 ही आएगा। आप जरा करके देखिए, ये देखिएगा कैलकुलेटर का साइन है यहाँ पर, देखिएगा जी मैं आपको बता रहा हूँ इस पर देखिएगा, 8,80,000, 8,80,000 हुआ डिवाइडेड बाई, अब दोनों को जोड़िए तो 9+13 22 से डिवाइड कर दो, इनटू का बटन दबाना, इक्वल टू नहीं दबाना। अब बताओ पहले का ए का शेयर क्या है, 9, इक्वल टू कर दो, ये आ गया। अब आप एक कोई हरा बटन लाल बटन कुछ नहीं दबाना है, आपको इनटू इनटू कुछ नहीं दबाना है, ओनली पुश ओनली टाइप द शेयर ऑफ सी एंड शेयर ऑफ सी इज 13, इक्वल टू कर दोगे तो कैलकुलेटर विल गिव यू द शेयर ऑफ सी एंड शेयर ऑफ सी इज हाउ मच, 5,20,000। इसके बाद जीटी का बटन प्रेस कर दीजिए, देखिए 8,80,000 आ गया या नहीं आया, आ गया जी बच्चे, ये 8,80,000 आ गया ये। अब जरा देखो बच्चे एक बात जरा सुनो, ए एंड सी का शेयर तो आ गया लेकिन बी का बाकी है, तो बच्चे बी का हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो जरा देखोगे, इस दोनों में से किसी एक रिलेशन से ए और बी, बी और सी, ए एंड बी में कितना का रेशियो था जी, 3:4, ए और बी में 3:4 का रेशियो था और यहाँ 12:13 का रेशियो था, ठीक है ना। हमें बी का शेयर निकालना है, आप इस पहले से भी निकाल सकते हो, दूसरे से भी निकाल सकते हो। अभी बताइएगा जी ए का शेयर हम लोग को क्या मिला है, 3,60,000 यही मिला है ना। अब जरा एक बात बताओ, हम इसी बात को ऐसे बोलेंगे, इस थ्री में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 3,60,000, तो इसी बात को उल्टा, 3,60,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, जिसका मतलब है उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो बताइएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1,20,000 से 4 को मल्टीप्लाई करो, दोनों को करोगे ना तो कितना आएगा, 4,00,000। इसका मतलब बी का जो शेयर होगा 4,80,000। आप इसी तरीका से बीसी का रिलेशन से भी निकाल सकते हो, यू विल गेट द सेम नंबर, 4,80,000 ही। अब जरा एक बात बताओ, सी का शेयर आपने 5,20,000 निकाला था, अब जरा एक बात बताओ 5,20,000 में 13 से डिवाइड करो कितना आएगा, बोलो 40,000, 40,000। तो 40,000 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12×40, 4,80,000। इस तरह से बी का शेयर आ गया 4,80,000। समझ में आ गया, कर लोगे, समझ में आया या नहीं आया, कर लेंगे ना जी। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, अब हम लोग इसको कर लिए, अब इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं और उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना जी। क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन जरा लिखते हैं, लेट ए बी एंड सी आर 3 इन्वेस्टर्स ऑफ ए कंपनी एबीसी लिमिटेड, लेट इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, ए एंड बी इज 5:8 and that of A and C is, that of A and C is 10:9
नाइन इफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेंड इज रुपीज 21 लाख फाइंड प्रॉफिट्स ऑफ ईच इन्वेस्टर तो लोग बताओगे आप हो गया। ए का कितना आया 6 लाख, बी का 9,60,000 और सी का 5 लाख। चल तो देखते हैं कि सही है कि गलत, बताओ तुम लोग बताओ जी, करो बेटे करो, काम करें है ना जी। चलो बेटे बेटे बताओ बताओ, कर लिया नहीं हुआ, अब मुझे क्या पता, मैं देख रहा हूं कर रहा हूं अभी कर रहा हूं मैं भी। बेटे एक बात जरा सुनो, ये जो 21 लाख जो प्रॉफिट है वह तीनों का प्रॉफिट है कि खाली एबी का है कि खाली बीसी का है? तीनों का, तो आपको ए बी और सी तीनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो फाइंड कंटिन्यूड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, तो ए बी सी का कंटिन्यूड रेशियो तो बनाइए आप पहले। हाँ बताओ कंटिन्यूड रेशियो, आपको एक बात जरा सुनो, ये जो 21 लाख है बेटा, दिस इज 21 लाख इज द प्रॉफिट ऑब्टेंड बाय ऑल, प्रॉफिट ऑब्टेंड बाय ऑल। इसका मतलब है विल हैव टू establish a relationship between A, B and C। तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा ना, तो ये तो करो पहले, इतना जब हो जाएगा तब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे, सभी का प्रॉफिट निकाल लेंगे। इतना मैंने हिंट्स दे दिया, करके बताइए ना आप, ट्राई करो। नहीं हुआ उससे, नहीं हुआ हो गया, उसको दिखा दो कॉपी अपना, तुमने उसको बताया। हेलो, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से बच्चे, इधर ध्यान से सुनिए बच्चे, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग किया हुआ है। हेलो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग किया है, और आपको जब मैंने बताया था तो उससे थोड़ी सी अलग है, है ना, तो थोड़ी सी अलग है, तो जरा अलग है, तो उसकी सॉल्यूशन जरा देखिए। ए इज टू बी क्या दिया हुआ है, अरे ए इज टू बी 5:8 और ए इज टू सी दिया हुआ है, ए कितना है, ए इज टू सी क्या दिया हुआ है 10:9 ऐसे दिया हुआ, समझे। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो,
मैं आम थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ए इज टू बी, ए इज टू सी, ये आपको 10 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। और आपको बताना क्या है, ए इज टू बी इज टू सी, ये बताना है। अब जरा एक बात बताओ, अब बताओ दोनों में कॉमन टर्म क्या है, ये दोनों में कॉमन है, दे मस्ट बी इक्वल, ये दोनों को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो बताओ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे वाले को, ऊपर वाले को कितने से, दो से। तो बच्चे दो से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी दो से करोगे और इसको भी दो से करोगे, दो से करोगे। तो आप जरा एक बात बताइए, अब तो हो गया काम, अब बताओ जिसके सामने ए है ये दोनों सेम आ गए, दोनों में सेम नंबर कितना आया। मोबाइल की कसम अगर नहीं बताया तो मोबाइल तेरा खराब हो जाएगा, इसलिए बताओ, अब बताओ दोनों में कॉमन नंबर कितना आया, 10। अब जरा बी के जगह पर वाला जो नंबर है वो कौन है, यह ए है, ए बी है और ए सी है, बी के जगह पर जो नंबर है वो कौन है, 16। ए 16 हो गया और ए 9, ए आपका ए बी सी का रेशियो हो गया। समझ में आ गया, बोलो बोलो, समझ में आ गया। एंड टोटल प्रॉफिट इज 21 लाख, तो यू कैन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इन्वेस्टर। तो बताइएगा जी, देयरफॉर 21 लाख इज द प्रॉफिट ऑफ ईच इन्वेस्टर, देयरफॉर डिवाइड इट बाय सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द रेशियो। तो 10 प्लस 16 प्लस 9 इक्वल टू 35 हुआ ना, इनटू 10 इक्वल टू करोगे यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ ए, 16 इक्वल टू करोगे तो प्रॉफिट ऑफ बी, एंड 9 इक्वल टू करोगे तो प्रॉफिट ऑफ सी, जीटी बटन दबाओगे तो 21 लाख रुपए। ये काम आप करिए, कर लिए, देखिए मैं अपने कैलकुलेटर पर दिखा रहा हूं, 21 लाख हो गया जी, 21 लाख हो गया, अब 21 लाख हुआ डिवाइडेड बाय 35 इंटू 10, कितना आया, 6 लाख रुपए। अब दूसरे का है 16 इक्वल टू 9,60,000 रुपए, और ये है 9 इक्वल टू 5,40,000 रुपए। जीटी का बटन दबा दीजिए, 21 लाख आ गया, इसका मतलब ठीक है हर्ष, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कहां दिक्कत है, पॉइंट क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन कर लोगे ना, तो मैं से पूछो तो होगा, एक भी नहीं होगा, पूछो, समझ में आ गया जी, कर लेंगे आप बेटे, कर लेंगे। तो मैं आपसे एक आज सवाल पूछता हूं, देखता है कि वो सवाल है कि हाँ, पहले ढूंढने दे यार, इधर ढूंढने दो ना, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा, हेलो बच्चे, एक मिनट शांत रहो, बोलो मत, तुम बोलो नहीं, बोलो नहीं बच्चे, बोलो नहीं, ये आपके सामने सीए इंस्टीट्यूट के किताब का क्वेश्चन है, तो दिखेगा कैसे, मैं दिखाऊंगा तब ना दिखेगा बेटा, तेरे को बिठाना था, अब मैं तेरे को दिखा देता तो तुम कहता ही आंसर होगा,
तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हेलो, क्वेश्चन नंबर 100 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 100 ये आपके सीए इंश्योर के किताब का क्वेश्चन है और एडिशनली ये क्वेश्चन जुड़ा है इस टाइप में। पहले वाले कोर्स में ये क्वेश्चन सब नहीं था, नई कोर्स में ये क्वेश्चन जुड़ा है आपके, मेरे बुक में नहीं है, सीए इंश्योर के बुक में है। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर है 100। हो गया, कर लिया जी। बताइए जी, बताइए हो गया तो बताइए, मैं पूछ लूं आपसे आंसर। ऑप्शन ए के फेवर में कौन कौन है? चलो रुक गए जी, अब कितना देर रुके, अभी तो क्वेश्चन शुरू देखना शुरू किया है, जल्दी देखिए। फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन? अरे भैया तुम कौन कौन सा ऑप्शन में रहोगे? बच्चे एक मिनट शांत रहिए। प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका 35,000, इसका 45,000, इसका 55,000 इन्वेस्टमेंट का है। तो बच्चे इसका रेशियो पहले आप निकालिए। इस 3-0, इसका 3-3-0 सब में कॉमन है ना, ये 3-0, ये 3-0, ये 3-0 हटा दीजिए। अभी भी ये तीनों का तीनों नंबर किसी से डिविजिबल है, 5 से, तो रेशियो क्या आएगा? 7-9-11, ये रेशियो आ गया। एंड दिस इज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाई ऑल। तो अब जरा बताओ, 45-40,500 के तीनों में बांट सकते हो? 9+7=16, 16+21=27 से डिवाइड कीजिए और काम करके बताइए। 10, 40,500। मैं आपको बताऊं कि 40,500 डिवाइडेड बाय 27 इंटू पाले का शेयर कितना है? 7=10,500 आ गया। 9=2 करोगे तो 13,500 आ गया, और 11=2 कर दो 16,500 आ गया। एंड दिस इज एन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपने कर लिया, कर लोगे? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, आपने ये सवाल कर लिया। अब जरा एक बात जरा सुनो, टाइम का रिलेशनशिप बताएंगे साथ में, तब बताऊंगा इसके क्वेश्चन का। एक सवाल मैंने ये ले लिया और इसलिए ले लिया कि तुमको भरोसा हो जाए कि सर बता रहे हैं वही चीज बता रहे हैं जो पढ़ना है। हाँ जी हेलो, आपको इसी में टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। टाइप 7 टाइप सिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टाइप सिक्स क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। हाँ जी, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, टाइप सिक्स क्वेश्चन नंबर 3।
इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, अभी जैसे बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है भी है। ये टाइप सेवन में है और टाइप सेवन में होगा। हाँ जी, हाँ जी, टाइप सेवन में है बुद्ध, टाइप सेवन में है। हाँ बताओ, पीछे का आंसर देख के नहीं बोलना, पीछे का आंसर देख के, पीछे का आंसर गलत है, समझा करो। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, बाकी सब बच्चे बना रहे हैं, जल्दी बनाइए बेटा। अभी जैसे बताया था वैसा ही सवाल है, तो बताओ। आ रहा है अब, भूमिका आज कैसे सूर्य पूरब की ओर दिख गया? हाँ गोविंद मनीष चौधरी, हाँ जी बच्चे आप आंसर बता रहे हैं। अब जरा एक बात जरा सुनिए, अभी जिस टाइप से क्वेश्चन मैंने बताया था सीएन चूट के किताब वाला, उसी पैटर्न का ये सवाल है एक, लेकिन दूसरा बात जरा सुनो। हेलो, हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो जरा बनाएंगे, तो तीन जीरो यहाँ है, तीन जीरो यहाँ है, तीन जीरो यहाँ है, हटा दीजिए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, हमारा को कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काम कैलकुलेटर से करना है। चलो जरा एक बात सुनो, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से बच्चे, इधर ध्यान से, 2,42,000 रुपए प्रॉफिट तीनों का है, तो हमें तीनों के रेशियो में बांटना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में बांटना पड़ेगा। तो सुनो, आप ये रेशियो को आप तोड़ मरोड़ मत करो, 126, 84 और 210 के रेशियो में हम बांट देंगे, तो तीनों को कैलकुलेटर से जोड़ो, 126 + 84 + 210 420, तो इस नंबर को 420 से डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस नंबर बाय 420 इनटू, अगर 126 करोगे तो पहले का शेयर आएगा, फिर उसके बाद 84 करोगे तो दूसरे का आएगा, और 210 करोगे तो तीसरे का आएगा, ए बी सी का आ जाएगा। आप चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए के फेवर में कौन कौन बच्चे हैं? इस बार सबसे पहले सौम्या ने जवाब दिया है। सेकंड ऑप्शन के फेवर में कौन कौन? थर्ड ऑप्शन, तेरे को जलन क्यों हो रही है? हेलो, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी बेटा, एक बात जरा सुनो, जैसे मैंने बताया था उस तरह से काम करोगे, 2,42,000 है, आपको राउंड अप करके काम करेंगे तब आएगा ये 2,42,000, ये डिवाइडेड बाई तीनों को जोड़ा तो 420 आया ना, इनटू पाले का है 126 इक्वल टू, देख लीजिए। अब जरा देखो 42,000, ये देखो 599.99, मतलब 600 रुपए हुआ, तो 72,600 रुपए है, देखिए ऑप्शन ए में है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा है 84 इक्वल टू कर दो, देखो 48,400 आ गया, ये राउंड अप करोगे तो 48,400 होगा ना, ये 400 होगा ना बच्चे। अब उसके बाद 210 टाइप करके इक्वल टू दबा दो, 1,20,999.99 को राउंड अप करोगे तो क्या आएगा, 1,21,000, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में, कौन सा ऑप्शन में है बच्चे, ऑप्शन ए में है जी। तो हम इस तरह से इन पैसों को बांट देंगे। अब जरा एक बात जरा सुनो, हेलो, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से देखिएगा जी, हम ऐसे ऐसे सवालों का जवाब हम दूसरे तरीका से भी करते हैं,
दूसरा तरीका का मतलब मैं आपको बताया था कॉमन फैक्टर बेटा पढ़ लो, ठीक है, कितना भी बेटा मैं तुमको है सिर्फ समझा सकता हूं, वार्न कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रैक पर नहीं चलते हैं तो तुम्हारी मर्जी। अगर एकदम मन न लगे तो बस घर बैठ के पढ़ो ना, मम्मी और पापा के निगरानी में पढ़ो, ठीक है जी, ज्यादा बेहतर है। यहां पर टाइम पास करने से फायदा क्या है फिर, है ना जी। तब एक बात जरा सुनो, कितना समझाते हैं यार, कभी कभी है डांटना पड़ता है मजबूरी में, मैं चाहता नहीं हूं डांटना, ठीक है जी। हेलो, मैं आपको जो बता रहा था कि हम ऐसे ऐसे सवाल को एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ कि देखिए इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होगा उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। आप बताइएगा इस तीनों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है, सी का, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट सी को मिलना चाहिए, तो सी को इस वाले खेल में, इस वाले ऑप्शन में सी को सबसे ज्यादा है, सी को सबसे ज्यादा है, इस वाले में सी को ज्यादा नहीं है, इसलिए बी और डी ऑप्शन तो हमारा आंसर किसी भी कीमत पर नहीं होगा। क्लियर, अब बताओ सबसे कम पैसा बीच वाले को मिला है, तो बीच वाले को कम है, यहां भी कम है यार, पहले वाले को उससे ज्यादा है, तो देखिए ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों का दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये पैसा का हेर फेर किया हुआ है, ये 600 रुपया इसमें से घटा दिया, 600 इसमें जोड़ दिया, ठीक है जी। अब ए और सी में से कौन सा आंसर होगा, बस आपको चेक करना है। तो बेटे एक बात जरा सुनो, ये ए है और ये बी है, तो इसको 126 से और इसको 84 से डिवाइड करें, अगर इक्वल आ गया तो ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, क्यों दिमाग खराब करोगे। नहीं अगर इक्वल है तो इसमें 126 से और इसमें 84 से डिवाइड करो, तो दे मस्ट बी इक्वल, इफ इक्वल देन ऑप्शन सी इज करेक्ट, यू हैव टू चेक, चेक करिए आप बताइए, करो ना चेक। बेटे एक बात जरा सुनो, यही तो है, कभी अचार का गुठली चूसा है, बताओ, मैं पूछ रहा हूं ऐसे मत लो, है ना बेटा, उस गुठली को जितना ज्यादा चूसते रहो टेस्ट उतना ही बढ़ता जाता है, तो उसी तरह से पढ़ाई है बच्चे, आप जितना बार उस क्वेश्चन को करोगे उतना नया नया चीज सीखेगा, समझ में आया। मजाक में ले लिया है, हंसना शुरू कर दी, है ना जी, तो इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इसी कंसेप्ट के आधार पर आपको कैलकुलेटर से ए पैसे को बांटना है, जरा बांट कर बताइए, बांट कर बताइए। क्वेश्चन टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैं यही सब बता दूंगा, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट बदलूंगा। बस जो भी नए बच्चे हैं कैलकुलेटर घर पर मत छोड़ना, कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चलेगा, मोबाइल पर स्पीड नहीं आता। बेटा मोबाइल छोड़ करके आ जाओ, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर नहीं छोड़, लेकिन दिक्कत तो यही है कि तू अपने आप छूट जाएगा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, हेलो, टाइप 7 सवाल नंबर 1, आप क्या करोगे, इस दोनों इसको है 1024, यहाँ दोनों का है तो दोनों को जोड़कर 9, 7, 16 से डिवाइड कर दो, इंटू 9 = 7 इक्वल टू, आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे तो फटाफट जरा मेरे को एक सवाल और बता दीजिए, अरे जी चुप, हाँ जी एक बात जरा सुनो, ये वाला सवाल बताइए, 6 टाइप 6 का कुछ सवाल तो हो जाए कि अगला दिन मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि कंसेप्ट अगला लूंगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए उस कंसेप्ट को रोक रखा हूं।
कि पहले मैं यही सब निपटा दूं उसके बाद उस क्वेश्चन को कराऊं। चलो बताओ दीदी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फर्स्ट के फेवर में कौन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड। देखिए एक बात जरा सुनिए, अरे बच्चे ये देखो ना, ये सबसे बड़ा है लेकिन ऑप्शन सी में यही सबसे छोटा है, तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। रेशियो का तीनों टर्म हमारा अनइक्वल है, तो तीनों टर्म हमारा इक्वल भी नहीं हो सकता, इसलिए बी भी रिजेक्ट हो गया। बी और सी दोनों आंसर हमारा नहीं होगा, या तो ए होगा नहीं तो नन ऑफ दीज होगा, यही होगा ना जी। तो बच्चे तरीका हमने बताया था, दो तरीका लगाइए, 750 डिवाइडेड बाई 5, 4, 9, 9, 6, 15, 750 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 इक्वल टू कर दो, यहां पर है 5 इक्वल टू कर दो, 6 इक्वल टू कर दो, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। दूसरा तरीका ये है बच्चे, हेलो, दूसरा तरीका ये हुआ कि फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से डिवाइड कीजिए, तो दे मस्ट बी इक्वल, कॉमन फैक्टर हमारा इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल आ रहा है। जरा बताओ मुझे, बताओ 200/5, 4 और 250/5 और 300/6 इक्वल आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक। समझ में आ गया। अब आपको जो है होमवर्क में ज्यादा भी कुछ नहीं करके आना है, मैथ में मैं अगली बार जो क्लास में लूंगा उसमें कैलकुलेटर लेकर के आइएगा, कैलकुलेटर नहीं आएगा तो बच्चे समझा नहीं पाएंगे, कैलकुलेटर बहुत जरूरी है ठीक है। और फिर नए तरीके मैं आपको इसके आगे का तरीका बताऊं ठीक है। चलो बाय बाय बाय, जय हिंद।